नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सिर्फ एक मिनट में करें किसी को भी अपने काबू में, किसी को भी अपने कंट्रोल में, किसी को भी अपने वश में। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अपने काबू में लाना चाहते हैं, चाहे वो आपके घर के सदस्य हों, चाहे कोई ऐसा पर्सन जिसे आप पसंद करते हैं, या चाहे कोई ऐसा पर्सन जो आपका दुश्मन है, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपके घर का पर्सन हो, या चाहे वह पर्सन हो जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, इन तीनों में से किसी को भी आप अपने काबू में ला सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, जिससे कि वह व्यक्ति थोड़े ही समय में आपके कंट्रोल में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा, आपके काबू में हो जाएगा। और काबू इस तरीके से होगा कि आप कुछ भी उससे करवा सकते हैं, अपना मन चाह करवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही वह व्यक्ति करता चला जाएगा। आपकी हर बात को वो सच्चा मानेगा, सच समझेगा और आपकी बात के अलावा वो किसी भी और व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। अपने दुश्मन को भी इससे आप अपने काबू में कर सकते हैं, जिससे हर एक बात मनवा सकते हैं, माफी मंगवा सकते हैं, अपने पीछे पीछे लगवा सकते हैं। आपके घर के कोई भी सदस्य हो जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हो, जो आपकी बात को ना समझ रहा हो, या जो ऐसा व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा हो, आपकी वैल्यू ना कर रहा हो, उसको भी आप अपने कंट्रोल में, अपने काबू में कर सकते हैं, ताकि वे आपकी वैल्यू करे, आपको समझे, आपकी हाँ में हाँ मिलाए, आपके पीछे पीछे रहे, आपके काबू में रहे, आपके वश में रहे। तो आपने क्या करना है? आपने ये उपाय किसी भी समय करना है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति आपके आस पास हो और ऐसी जगह खड़ा हो, ऐसी जगह बैठा हो, या ऐसी जगह खड़ा हो जहां पर उसकी परछाई पड़ रही हो। ये चीज का खास ध्यान रखना है। जहां पर भी उसकी परछाई पड़ रही, चाहे चार पांच जने उसके साथ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने चुप करके उपाय कर लेना है। आपने देखना है वह व्यक्ति कहाँ खड़ा है, जहां उसकी परछाई है वहां पर उसकी परछाई के ऊपर, चाहे खड़े है चाहे बैठा है, उसकी परछाई के ऊपर जाके खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने मन ही मन में पहले एक बार उसका नाम लेना है, उसका नाम लेना है आपने, चाहे वो आपसे बड़ा है चाहे छोटा है, उसका नाम बोलेंगे आप मन ही मन में। एक बार नाम बोलना है और तीन बार आपने मंत्र बोलना है मन ही मन में। आपने बोलना है ओ, उसके बाद फिर आपने लेना है नाम, उसके बाद हु स्वाहा। पहले बोलना है ओ, उसके बाद फिर नाम, फिर हु स्वाहा। ये मंत्र बोलने से पहले भी आपने उसका नाम लेना है और मंत्र के बीच में भी ओ, फिर नाम, फिर हु स्वाहा। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ताकि आपको बोलने में दिक्कत ना हो, उसे एक बार देख लें और उसके बाद ही मंत्र बोलें। मंत्र को आपने तीन बार बोलना है उसकी परछाई में खड़े खड़े। उसके बाद जब आप मंत्र बोल देंगे, आपने उसकी परछाई की तरफ देखकर एक बार हल्की सी फूंक मार देनी है और उसकी परछाई से पीछे चले जाना है, यानी कि पीछे की तरफ अपने कदम कर लेने हैं और उसके बाद आप इधर उधर जहां मर्जी जा सकते हैं। पहले आपने पीछे की तरफ अपने कदम कर लेने हैं। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति कैसे आपके काबू में आएगा। उसी समय से आप ये चीज नोट करना शुरू कर देंगे, आपके काबू में आएगा, आपके कंट्रोल में होगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपकी हर एक बात को मानता चला जाएगा। ऐसी ऐसी बातें जो मनवाना बहुत मुश्किल था आपके लिए, बहुत आसानी से और एक बार कहने पर ही आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि वह एक बार कहने में ही आपकी बातें मान रहा है। उपाय बहुत प्रभावशाली है, इसे आजमा कर जरूर देखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।